तो उन्होंने कहा रोना नहीं है। उन्होंने मुझसे हाथ हाथ मिलाया और पीछे वाले डाकू ने मुझसे गले भी मिले, फिर बाद में मुझसे आगे वाले डाकू ने हाथ भी मिलाया और जाते वक्त कहने लगे कि हमारे पास भी दिल होता है। ये बात है मंडी की शाम 6:40 से 42 मिनट की। वह मेरे साथ इस तरह यूँ था कि मैंने एक घर में फूड डिलीवर करा, वहाँ पे मैंने पैसा लिया, उनके पास चेंज नहीं था, उन्होंने मुझे पैसे दिए, कहा कौन है पहले चेंज करा लो। मुझे एक चीज़ दादा, उन्होंने एक सामान मुझसे मंगाया, वो मैंने ला के दे दिया उनको ताकि मेरा चेंज हो जाए। इतनी देर में पीछे से दो लड़के आ गए और कहने लगे कहाँ है भाई तुझे, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। मैं देख के उनका बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उन्होंने बात इस तरह ना करी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। उन्होंने मेरी जेब से खुद ही मोबाइल फ़ोन निकाला पीछे वाले डाकू ने और मेरी जेब से पैसा निकाले खुद ही। उनको पता था कि कौन सी में मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और कौन सी जेब में मेरे पास पैसे हैं। निकालने के बाद कहने लगे पैसे दे। मैंने कहा भाई मेरे पास यही पैसे हैं, उस टाइम मेरे पास पैसे कम थे क्योंकि मेरी दूसरी डिलीवरी थी। मैंने बोला पैसे यही है, मेरे पास दूसरी डिलीवरी है। जब मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई छोड़ दो, मैं किसी का मोबाइल लेकर यूज़ कर रहा हूँ, कोई काम वगैरह नहीं है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी उन्होंने, फिर अपना मेरा मोबाइल मुझे वापसी करा और बल्कि पैसे ही वापसी कर दिए। जब मोबाइल उन्होंने वापसी करा तो आगे वाला डाकू था मुझसे मोबाइल छीन रहा था। मैंने कहा यार पीछे वाले तो यार इन्होंने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। फिर उसने मोबाइल वापसी कर दिया। मैं रोने लगा जब मेरा सामान मुझे मिल गया, मैं फिर भी रो रहा था। तो उन्होंने कहा रोना नहीं है। उन्होंने मुझसे हाथ हाथ मिलाया और पीछे वाले डाकू ने मुझसे गले भी मिले, फिर बाद में मुझसे आगे वाले डाकू ने हाथ भी मिलाया और जाते वक्त कहने लगे कि हमारे पास भी दिल होता है। इंतहाई अफसोस के बाद सिर्फ कंपनी ने यही पूछा कि आप अपना ऑर्डर मुकम्मल करें और ऑर्डर के हवाले से परेशानी बताएं। एक यही काम बचा था अभी थोड़ा बहुत करने को, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम जॉब काफ़ी टाइम पे ढूंढ रहा था, लेकिन फुल टाइम भी करने को रेडी हूँ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है घर के हालत की वजह से। आपको खुद भी दिख रहा होगा अभी लॉकडाउन की वजह से मुल्क की हालत क्या हो गया है। मैं भी जॉब लेस हूँ, भाई भी जॉब लेस है, वाली साहब भी जॉब लेस हुए हैं अभी।